नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। कांग्रेस के विधानसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद अब कांग्रेस नेताओं पर गाज गिरने का दौर शुरू हो गया है। बता दें कि इसमें सबसे पहले जिनका नंबर आया है उनका नाम है गणेश गोदियाल। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस हाईकमान ने गणेश गोदियाल से इस्तीफा मांग लिया है और बिना किसी देरी के गणेश गोदियाल ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है। कांग्रेस हाईकमान को उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में मिली हार नागवार गुजरी। विशेष रूप से उत्तराखंड में पार्टी को सत्ता हासिल करने का पूरा भरोसा था। ये भरोसा टूटते ही सबसे पहली गाज प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल पर गिरी है। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देश मिलते ही दिल्ली में मौजूद गोदियाल ने तुरंत अध्यक्ष पद से इस्तीफा सौंप दिया। प्रदेश अध्यक्ष के पद की जिम्मेदार पार्टी नई संभावनाओं को देखते हुए जल्द तय कर सकती है। उत्तराखंड उन राज्यों में शामिल था जहां कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में जीत मिलने की सर्वाधिक उम्मीद रही। इसे ध्यान में रखकर पार्टी हाईकमान की ओर से भी चुनाव में पूरी ताकत झोंकी गई। 10 मार्च को कांग्रेस की ये उम्मीद सिर्फ टूटी ही नहीं बल्कि 19 सीटों पर ही सिमट जाने से पार्टी को बड़ा झटका लगा। प्रदेश में कांग्रेस के चुनाव अभियान की बागडोर संभाल रहे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत कई दिग्गज चुनाव हार गए। हार के कारणों को लेकर प्रदेश में दिग्गजों के बीच छिड़ी जंग के बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी दिल्ली में हार के कारणों पर मंथन किया। इसके बाद सभी 5 राज्यों में पार्टी अध्यक्षों से इस्तीफा मांग लिया गया। इसके लिए प्रदेश स्तर पर समीक्षा शुरू होने की प्रतीक्षा नहीं की गई। दिल्ली में मौजूद प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पार्टी का इशारा मिलने के बाद इस्तीफा देने में देर नहीं लगाई। इससे पहले भी गोदियाल हार को लेकर इस्तीफा देने की पेशकश कर चुके थे लेकिन पार्टी नेताओं की सलाह पर उन्होंने ये कदम नहीं उठाया था। वहीं गोदियाल ने अपने इस्तीफे में ये उल्लेख किया कि कांग्रेस अध्यक्ष और प्रदेश नेतृत्व की तमाम कोशिशों के बावजूद पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद से त्याग पत्र दिया। उन्होंने कहा कि वो परिणाम के दिन ही इस्तीफा देना चाहते थे लेकिन हाईकमान के आदेश की प्रतीक्षा में रुके हुए थे।